आम तौर पर लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लगभग 2000 साल से ये रास्ता व्यापार के नजरिए से भी महत्वपूर्ण रहा है। ये रास्ता पश्चिमी घाटों से होकर निकलता था और तटीय रास्तों को जोड़ता था, जहां पहले सोपारा का पुराना बंदरगाह हुआ करता था। प्राचीन काल में ये मार्ग न सिर्फ कस्बों और बस्तियों से जुड़ा होता था, बल्कि पूजा स्थलों से भी जुड़ा हुआ था, जिनमें से एक पूजा स्थल है भाजा की गुफाएं। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई 22 गुफाओं का एक समूह है, जो दूसरी सदी ईसा पूर्व की है। भाजा की ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं भाजा गांव से लगभग 400 फीट ऊपर एक प्राचीन मार्ग पर स्थित हैं, जिसने कभी दक्कन पठार का क्षेत्र घेरा हुआ था। चट्टान काटकर बनाई गई भाजा की ये गुफाएं बौद्ध वास्तुकला का सबसे प्राचीन उदाहरण हैं। ये गुफाएं दक्षिणापथ के काफी नजदीक हैं, जिसे दक्षिण में स्थित सोपारा के बंदरगाह जाने वाले मुख्य मार्ग के तौर पर जाना जाता था। गुफाओं के भीतर बौद्ध धर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्तूप हैं। ये स्तूप यहाँ की एक विशेषता है। यहाँ की खुदाई की सबसे प्रमुख खोज चैत्य गृह यानी कि प्रेयर हॉल है, जो कि लकड़ी के वास्तुकला का शानदार नमूना है। बिना किसी रखरखाव के लकड़ी की ये पैनल लगभग 2000 साल से यहाँ मौजूद हैं। इसके सामने बरामदे और कमरे बने हुए हैं, जो भिक्षुओं के रहने के काम आते थे, जिसे देखकर पता चलता है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए यहाँ रहना कितना मुश्किल रहा होगा, खास तौर से बारिश के मौसम में। भाजा की इन गुफाओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें बुद्ध की छवियां नजर आएंगी। यहाँ और भी कई मूर्तियां हैं, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। गुफाओं की खिड़कियां अलग अलग आकार में हैं और यहाँ के खंभे तिरछे बने हुए हैं। अपने अतीत से जुड़े महत्व के कारण ये स्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत संरक्षित है। गुफा परिसर में ही विभिन्न स्तूप दिखाई पड़ते हैं, जो यहाँ के स्थानीय वीरों को समर्पित हैं। यहाँ 14 आलीशान स्तूपों का एक समूह भी है, जिनमें से 5 अंदरूनी और 9 अनियमित खुदाई के बाहर हैं। ये स्तूप उन भिक्षुओं के अवशेष हैं, जिनका भाजा में रहते हुए निधन हुआ होगा। कुछ स्तूपों पर स्थानीय वीरों के नाम भी अंकित हैं। इन गुफाओं में भारतीय संगीत उपकरण तबले के इतिहास के भी सबूत मिलते हैं। यहाँ की नकाशी में एक महिला को तबला बजाते हुए देखा जा सकता है और तबले की थाप पर दूसरी महिला नृत्य की मुद्रा में दिखाई दे रही है। भाजा की गुफाओं की दिलचस्प बात यह भी है कि इनमें मध्य एशियाई प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि इनका संबंध प्राचीन काल से है। इसका उपयुक्त उदाहरण गुफा नंबर 18 है। जानकारों का मानना है कि यहाँ स्थित मूर्तियां गजारूढ़ देवेंद्र और सूर्य की हैं। भाजा की ही तरह बौद्ध काल की अन्य गुफाएं किसी मठ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये गुफाएं शिक्षा का केंद्र भी हुआ करती थी। भाजा की गुफाएं हमें 2000 साल पुराने युग के दर्शन करवा देती हैं। अब आपके लिए कुछ सवाल। इन सवालों के जवाब अपने आर्ट बुक में लिखें। भाजा में कितनी गुफाएं हैं? चैत्य ग्रह के पैनल किससे बने हैं? भाजा गुफाओं के विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें।